हेलो दोस्तों, तो आज हमारी स्लैब की कास्टिंग है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो पंप लगा हुआ है, जो पाइप देख पा रहे होंगे आप, ये नीचे पंप लगा हुआ है। पंप से डायरेक्ट माल ऊपर आ रहे हैं, रोड़ी बजरी, ठीक है। और इसे कहते हैं दोस्तों RMC प्लांट, रेडी मिक्स कंक्रीट, जो कि बना बना माल बाहर से आता है और सीधे वहाँ पे मिक्सर जो गाड़ियाँ रहती है उनमें आता है और उसमें डाल के हम स्लैब में डाल देते हैं वो पंप लगा के। ये एक्चुअली इसलिए करते हैं दोस्तों, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे थोड़ा जगह की कमी है, जगह थोड़ा कम है, इसलिए हमें वहाँ पे रेडी मिक्स कंक्रीट का यूज़ करना पड़ता है। तो ये लगभग दोस्तों 4000 फुट एरिया है, जिसमें कि 85 अराउंड MQ कंक्रीट लगनी है। तो लगभग ये मेरा 5 या 6 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो यूज हो रहा है दोस्तों M25 ग्रेड यूज हो रहा है, जो कंक्रीट का रेशो है वो M25 रेशो यूज हो रहा है, देख सकते हैं आप। इसमें हम कवर ब्लॉक भी प्रॉपर चेक करते हैं, जब वाइब्रेटर मारते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब वाइब्रेटर मारते हैं तो सफल से या किसी और चीज़ से प्रॉपर उसमें कवर दिया जाता है। नीचे हम कवर ब्लॉक भी लगाते हैं। ये वाइब्रेटर दोस्तों 50 mm का स्टील निडल है और स्लैब में हम यही यूज़ करते हैं। छोटा वाइब्रेटर वैसे हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो झालर वगैरह है 4 इंची की बीम है उसमें ही हम छोटे वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं। वैसे हम जो भी कॉन्क्रीटिंग होती है हमारे यहाँ, मास कॉन्क्रीटिंग, जैसे कि फाउंडेशन में या स्लैब में बीम्स वगैरह, वो सब 50 mm की निडल से ही हम वाइब्रेट करते हैं। देख पा रहे होंगे आप, स्लैब के जो स्टेयर के स्लैब है उसकी कास्टिंग नेक्स्ट डे करेंगे दोस्तों, जब उसके स्टेप हम बनाएंगे तो एक वीडियो उसके लिए अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। जो ये RMC प्लांट है दोस्तों, ये यहीं देहरादून में है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट देते हैं। देख सकते हैं आप वीडियो से कितना अच्छा माल दे रहे हैं ये, और टाइट भी है दोस्तों, बिल्कुल जो स्लम है इसका वो ठीक है, मतलब फेल नहीं है इसका। और ये आप देख पा रहे हो जो गाड़ी दिख रही है आपको, ये हमारी मिक्सर है, इसी गाड़ी में हमारा कंक्रीट जो है बन के तैयार होके आता है। और जो आप देख पा रहे होंगे ये दो शटर खुले हुए हैं, जिसके दो दरवाजे खुले हुए हैं, इसका नाम पंप है। इस पंप की हेल्प से ये दोस्तों पाइपिंग के थ्रू मटेरियल ऊपर जा रहा है, देख सकते हैं आप। कवर ब्लॉक आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं, और ये आगे जो सरिया छोड़े हुए हैं दोस्तों, इन्हें हम डोवेल्स कहते हैं। ये जब हमारी बिल्डिंग आगे एक्सटेंड होगी तो उसमें जोड़े जाएंगे। लगभग 4000 फुट एरिया स्लैब का जो एरिया है, कवर्ड एरिया है, ठीक है। और हम पेट्रोल वाला वाइब्रेटर भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है आज, इसलिए हमें पेट्रोल वाला वाइब्रेटर यूज करना पड़ रहा है। इसमें हम अच्छी फिनिशिंग लेके चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग क्या है कि ग्राउटिंग वगैरह नहीं करवाते हैं। वैसे ये नीचे के फ्लोर हैं तो इसमें टाइल्स वगैरह लगनी है, और तो खास है बस। लगभग 370 किलो सीमेंट होता है दोस्तों, और अब आप देख पा रहे होंगे
हमारी स्लैब कंप्लीट हो चुकी है। केवल आगे का जो पोर्शन है इसमें पंटी से बराबर करेंगे इसको और प्लेन करेंगे और वैसे हमारी स्लैब कंप्लीट हो चुकी है। ये दोस्तों इसलिए छोड़ रखा है कि यहाँ से हमारी जो पाइप लाइन है उसे खोल लेते तो जो लेबर वगैरह हैं वो इसमें चल रही थी तो इसके थोड़ा खराब हो गई थी स्लैब। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ रखी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया हुआ है दोस्तों। तो आपको भी देहरादून में कहीं कंस्ट्रक्शन